सो गुड मॉर्निंग क्लास, आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज थर्ड लेक्चर ऑफ डेटा एनालिटिक्स। सो आज डेटा एनालिटिक्स में हम डेटा एनालिसिस के स्किल्स को देखेंगे और इस स्किल्स के पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें स्टैटिस्टिक्स, डेटा क्लीनिंग, ईवीए, डेटा विजुअलाइजेशन हमें कंप्लीट करना है। तो आज जो हम कवर अप करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स को। तो सबसे पहले हम बाय डेफिनेशन देखते हैं कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन होता है। मतलब क्या, पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स में पूरे की पूरी ब्रांच जो रहती है वो इन्वॉल्व रहती है मैथमेटिक्स की। इसमें हर टाइप का डेटा रहता है, वो कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उसका एनालिसिस करने के लिए हो सकता है, इंटरप्रिटेशन हो सकता है या फिर प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का कलेक्शन जो ब्रांच करते हैं और वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, वो क्या कहलाती है, स्टैटिस्टिक्स। फिर अभी हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो इसे टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव एंड सेकेंड वन इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव को डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। फर्स्ट है हमारा मेजर ऑफ सेंटर एंड सेकेंड है हमारा मेजर ऑफ वेरियंस। तो मेजर ऑफ सेंटर में जो हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन एंड मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद जो हम मेजर ऑफ वेरियंस है उसमें पढ़ेंगे रेंज कैसे निकालते हैं, इंटरक्वार्टाइल क्या होता है, वेरियंस क्या होता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। आफ्टर दैट जो हमारा पोर्शन आएगा दैट इज इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो जहाँ तक अभी मुझे लग रहा है जो हमारा आज कवरअप हो पाएगा वो सिर्फ यहीं तक हो पाएगा, डिस्क्रिप्टिव तक हो पाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, अगर कंप्लीट हो जाता है तो इंटरव्यू पर पहुँचेंगे, अदरवाइज यहीं तक रहेगा। विजिबल है सभी को पीपीटी? तो जो अभी आज हमारा लेक्चर है जो मैंने आपको बता दिया है डेट इज़ थर्ड लेक्चर ऑफ डेटा एनालिटिक्स, जिसमें अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर होंगे वो डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होंगे। तो अभी अब हम इसके लेक्चर में जो पढ़ने जा रहे हैं वो पीपीटी है। तो आपको पता होना चाहिए डेटा एनालिस्ट के स्किल्स क्या होती हैं। तो स्किल्स जो डेटा एनालिस्ट की होती है उन्हें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, लाइक स्टैटिस्टिक्स, डेटा क्लीनिंग, EDA, डेटा विजुलाइजेशन। अब हम जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम एक एक पॉइंट्स को और ब्रीफली समझते जाएंगे। आज के लेक्चर में हम डेटा एनालिस्ट स्किल्स की फर्स्ट स्किल को पढ़ेंगे और सीखेंगे, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। नोट करना है, नोट करते जाओ, टाइम देते जा रही हूँ मैं और फिर स्टार्ट करूँगी। सो ये जो फर्स्ट स्लाइड है दैट इज़ फॉर डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो बेसिकली इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। यही मैंने अभी बोर्ड पर भी बताया था कि ये बेसिकली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो स्पेशली डील करती है, कलेक्शन करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है, एनालिसिस करती है, इंटरप्रिटेशन का काम करती है एंड प्रेजेंटेशन का पार्ट काम करती है। DI आपके एप्टीट्यूड का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह का स्टैटिस्टिक्स हमें मिलता है और हम उसको विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फार्मूला किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो बाय डेफिनेशन इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। आफ्टर दैट जो स्टैटिस्टिक्स है, जैसा मैंने बोर्ड पे बताया था कि इसको कैटेगराइज किया गया है टू पार्ट्स में। फर्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड वन इज इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में ऐसा डेटा रहेगा, इस तरह का एनालिसिस रहेगा जिसमें आप कलेक्शन कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके या फिर आप सिंपल समझ सकते हैं कि उसको प्रेजेंट कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके और उसके बाद डेटा को समराइज कर सके। लेकिन जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स रहेगा उसमें आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। इन्फ्रेंस मीन्स वॉट, कंक्लूड करना। आप जो भी आपके पास डेटा है उस पर पहले आपको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद जो भी कंक्लूजन ड्रॉ होता है वो कंक्लूड करना है विद द हेल्प ऑफ डेटा ऑब्जर्व इन सैम्पल। स्क्रीनशॉट लिखना है, जो भी करना है कर सकते हो।
अब आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स में जो स्टेप्स फॉलो होती हैं वो किस तरह से होती है। फर्स्ट डेटा को एनालाइज किया जाता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग से बताया कि आपके पास रॉ डेटा आता है, वो हिस्टोरिकल डेटा भी हो सकता है, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन खुद प्रोवाइड भी कर सकता है। तो बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट रहता है एनालिस्ट का, डेट इज एनालिसिस करना, एनालाइज करना डेटा को। उसके बाद उसका जो सेकंड काम रहता है वो बिल्ट करना मॉडल को, और जो थर्ड प्रोसेस होती है डेट इज इन्फर रिजल्ट, जिसे आप कंक्लूड भी बोल सकते हैं या फिर समझने के लिए समझ सकते हैं कि जब कंक्लूजन ड्रॉ होता है तो क्या करना रहता है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में तीन पार्ट्स भी करना होगा। फर्स्ट आपको एनालाइज करना है डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डेट एनालाइज डेटा आप मॉडल बिल्ड करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ डेट मॉडल जो भी रिजल्ट कंक्लूड होता है, जो भी डिसीजन मेक होता है रिगार्डिंग प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, वो कंक्लूड करना है। इसके बाद आती है जो कैटेगरीज स्टैटिस्टिक्स की, डेट इज़ इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब हम दोनों ही को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट है डेट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो डिस्क्राइब करता है डेटा, वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो ग्राफ भी हो सकता है, वो चार्ट भी हो सकता है। लेकिन जो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो अलाउ करता है प्रिडिक्शन को, और प्रिडिक्शंस किस बेसिस पे होते हैं, ये इन्फेरेंसेस किस बेसिस पे होते हैं, जो डेटा उनके पास आता है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जिन्होंने जो ऑथराइज हैं उनके पास जो डेटा होता है उस डेटा से प्रिडिक्शंस होते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, जो बोर्ड पे मैंने लिखा था, उसमें हमें दो चीज़ों को पढ़ना है। फर्स्ट हमें पढ़ना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड सेकंड हमें पढ़ना है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। सो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है इसमें हम तीन चीज़ों को देखेंगे, फर्स्ट इज मीन, सेकेंड इज मोड, एंड थर्ड वन इज मीडियन। और जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है उसमें हम रेंज, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ेंगे। नोट डाउन कर रहे हो आप लोग? ओके। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इंट्रोडक्शन। तो जो फर्स्ट है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो अब रोक रही हूँ मैं स्लाइड को, फर्स्ट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, और लिख रहे हैं कुछ तो लिख सकते हैं, फिर मैं इसे डिस्क्राइब करूँगी। ठीक है, चलिए मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। सो बेसिकली जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो एक सिंगल वैल्यू है जो अटेम्प्ट करती है, डिस्क्राइब करती है सेट ऑफ डेटा को, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सके सेंट्रल पोजीशन विद इन सेट ऑफ डेटा। और जो मेजर ऑफ टेंडेंसी है उसे समटाइम्स मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशन भी कहा जाता है। बेसिकली ये इसे समरी स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। इसमें जो एवरेज है उसको मेज़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसके अंदर आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो मीडियन, मोड। मीडियन एंड मोड आप लोगों ने मैथमेटिक्स में कई बार निकाले होंगे, तो ये एक वैलिड रीज़न है, मीन, मीडियन, मोड, ये वैलिड मेजर्स है सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ डिफ़िकल्ट कंडीशन में। लेकिन जो कुछ सेंट्रल टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो है इनको यूज़ करने के लिए। और इस सेक्शन में हम आगे जो हमारी पीपीटीज होंगी उसमें मीन, मोड और मीडियन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और किस कंडीशन के लिए वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, उसे अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा मीन। मीन को सिंपली अर्थमेटिक्स में हम लेते हैं एज अ एवरेज। आप मीन को मीन भी बोल सकते हैं, एवरेज भी बोल सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है और वेल नोन भी है मेज़र करने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी।
ये यूज होता है डिस्क्रीट कंटिन्यूअस डेटा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों टाइप के डेटा में, और मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो यूज़ होता है वो कंटिन्यूअस डेटा के लिए यूज़ होता है। तो मीन हमें सिंपली जब भी कैलकुलेट करना रहता है तो जितनी भी चीज़ें, जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज हमें दी रहती हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं जितनी भी बार उसका अक्रेंस हुआ। तो सिंपल मीन हम सभी ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये पार्ट है किसका ये आपको पता होना चाहिए। और जब पेपर में आएगा, पेपर में न्यूमेरिकल जो मैंने देखा उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं थे, पूरा पोर्शन थ्योरी का ही था, लेकिन आप कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते चलें कि इन केस अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। और थ्योरी आएगा तो थ्योरी में आपको पूरा पोर्शन लिखना है, अकेला फॉर्मूला लिखना मत, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर रिटर्न पेपर होता है तो। इसके बाद है मीडियन। सो बेसिकली मीडियन इज मेजर ऑफ द सेंट्रल ऑफ द सैंपल सेट। इसमें और अगर हम मेजर करते हैं सेंट्रल वैल्यू को पूरी के पूरी जो हमारे पास सेट आया है, लाइक ये जो एग्जांपल हमने लिया है इसमें 21 है, 21 अगेन है, 21.3 है, फिर 22.8, देन 23, 23, 23 एंड 23। तो इसमें अगर हम सेंट्रल वैल्यू को मेजर करते हैं तो वो दो वैल्यूज होंगी 22.8 एंड 23, और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें, हमने डिवाइड किया है 2 से, तो हमें क्या वैल्यू मिली है, डेट इज 22.9। तो सिंपल मीनिंग इज दैट अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है तो हमें जो भी सेंट्रल वैल्यू है हमारे पास जो सेट आया है उसको मेजर करना होगा। इसके बाद आते हैं मोड पे। तो मोड के लिए जो हमने एग्जाम्पल लिया है डेट इज 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25 एंड 26। तो अगर आपको कैलकुलेट करना होता है, आपके पास डेटा दिया हुआ है, आपके पास सेट दिया हुआ है, और उस सेट में आपको ऐसी वैल्यू को फाइंड आउट करना है जिसका अकरेंस बार बार हुआ है, रिकरेंट हुआ है, तो ऐसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें मोड की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सैंपल में देखें तो इसमें 25 जो वैल्यू है ये बार बार रिपीट हुई है, तो जो इस पर्टिकुलर सेट का सैंपल डेटा जो हमारे पास है इसका जो मोड निकलेगा डेट इज 25। आफ्टर डेट जो हमारा थर्ड पार्ट आता है किसमें, डिस्क्रिप्टिव में, वो आता है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है रेंज, इंटरक्वार्टाइल, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं रेंज। कभी भी हमें, हमारे पास जो भी डेटा हमारे पास आया है, सपोज हमारे पास 10 वैल्यूज हैं और उसमें से हमें रेंज को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, मैक्स को निकल लिखेंगे, मैक्स की वैल्यू लिखेंगे, मिनिमम की वैल्यू लिखेंगे और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो हमें रेंज फाइंड आउट करनी है वो मिल जाएगी। सो बेसिकली रेंज इज द गिवन मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड अपार्ट आर द वैल्यूज इन अ सेट। उसके लिए जो फॉर्मूला यूज हो रहा है डेट इज रेंज इक्वल्स टू मैक्स माइनस मिन। आफ्टर डैट इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और ध्यान से देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। तो बेसिकली इंटरक्वार्टाइल रेंज आपको शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, ये आपको एज ए न्यूमेरिकल फाइंड आउट करने के लिए भी आ सकता है। तो जो IQR है ये शॉर्ट फॉर्म है इंटरक्वार्टाइल रेंज का। बेसिकली IQR एक इज द मेजर ऑफ अ वेरिएबिलिटी बेस्ड ऑन डिवाइडिंग अ डेटा सेट इनटू क्वार्टाइल। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप रहती है, आपको सैंपल दिया जाएगा, सपोज यहाँ पे वैल्यूज जो दी गई हैं डैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 वैल्यूज दी गई हैं और आपको कैलकुलेट करना है इसका IQR। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले इसे क्वार्टाइल्स में डिवाइड करना है। आप इसे क्वार्टाइल्स में डिवाइड करेंगे और इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे क्या किया गया है, क्वार्टाइल्स में कैसे डिवाइड किया गया है, जैसे 1 और 2 के बाद इसको डिवाइड किया, तो वो कैसे किया, 2+3/2, दो दो जो नंबर्स है उनके बीच में क्वार्टाइल्स को लगाया जाता है और फिर उसका एवरेज निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपने एवरेज निकाला दो नंबर्स के बीच में डेट इज 2 और 3 और उसको डिवाइड किया 2 से। आफ्टर डैट सेकेंड पार्ट में आपने किसको ऐड किया, जो 4 और 5 था,
टू और थ्री को डिवाइड करा आपने, आफ्टर दैट आप फोर प्लस फाइव करेंगे, फिर सिक्स प्लस सेवन करेंगे एंड सो ऑन करेंगे। तो ये इस तरह से है, ये वाला मैं पीपीटी फिर से शेयर करूंगी, इसको आप नोट डाउन कर लें क्योंकि इंटरक्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो आपने फोर प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू किया, डैट इज़ 4.5। आफ्टर डैट आपने 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 किया, आपको 6.5 मिल गया। तो आपके पास जो वैल्यू आई डिवाइड करने में, वो वैल्यूज आई 2.5, 4.5 एंड 6.5। तो बेसिकली जो ये आपको वैल्यू आई है, इसका मतलब ये है कि सेकेंड जो पार्ट है 2.5 मीन्स जो फर्स्ट क्वार्टाइल होगा आपका 2 के बाद होगा, जो सेकेंड क्वार्टाइल आपका होगा वो 4 के बाद होगा, एंड जो थर्ड क्वार्टाइल होगा वो आपका किसके बाद होगा, 6 के बाद होगा। इसीलिए जो हमारे पास जो नंबर थे उसे इस तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे हमारे पास जो वैल्यूज थी वो थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो हमें फर्स्ट हमने क्वार्टाइल लगाया वो 2 के बाद लगाया, इसके बाद जो सेकंड वैल्यू थी हमारी 4.5 थी, तो हमने 3 के बाद उसे क्वार्टाइल नहीं किया, 4.5 था इसलिए 4 के बाद हमने उसका क्वार्टाइल किया। इसी तरह से जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू थी डैट इज़ 6.5, तो हमने 5 के बाद इसे क्वार्टाइल नहीं डिवाइड किया है, हमने किसके बाद किया है, 6.5 के बाद डिवाइड किया है। तो इसी तरह से आप फाइंड आउट कर देंगे। और इसके बाद जो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल होगा वो कहलाएगा आपका इंटर क्वार्टाइल। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, डेट इज़ फॉर वेरियंस। सो बेसिकली वेरियंस डिस्क्राइब्स हाउ मच आर रेंडम वेरिएबल डिफर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो बेसिकली वेरियंस फाइंड आउट करने के लिए आपको, अगर कभी भी अगर ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा वेरिएबल बहुत ज़्यादा बार रेंडमली अकर हुआ है, तो आपको वेरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली इट इंटेल्स कंप्यूटिंग स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। इसमें हमने एग्जांपल लिया है, अगर आपको रेंडम वेरिएबल डिफर करना है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो आपको बेसिकली उसका वेरियंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। आफ्टर डैट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके रिलेवेंट भी जो न्यूमेरिकल हैं वो आते हैं, और इसमें आपको सैंपल भी मिल सकता है, पॉपुलेशन का डेटा भी मिल सकता है, आपको कैलकुलेट करना रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन को। सो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ सेट ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स मीन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस बाय डिटरमाइनिंग ईच डेटा पॉइंट्स डेविएशन रिलेटिव टू द मीन। सो ये थ्योरेटिकल इसका हो गया, और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैं आप शेयर कर रही हूँ, तो उसे आप श्योरिटी से लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपको पॉपुलेशन दिया का डेविएशन निकालना है तो एक फॉर्मूला है, और सेकेंड आपको सैंपल के लिए दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसे आप लिख भी लें, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आफ्टर डैट, हाँ बोलो, हाँ बेटा, मैं पीपीटी शेयर ग्रुप में नहीं करूँगी, जिस भी स्टूडेंट को डाउट होता है ना वो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करो तो मैं आपको भेज दूँगी। रीज़न इज़ दैट पूरे ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, 64 स्टूडेंट्स हैं, और अटेंड कितने कर रहे हैं, ओनली 20। तो बाकी के बच्चों का क्यों भला करना, उन्हें क्लास अटेंड करनी चाहिए ना, ठीक है। और आप लोग भी किसी और से शेयर नहीं करोगे, आप पढ़ रहे हो, आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को पर्सनल टेक्स्ट करो, मैं आपको भेज दूँगी डेटा, ठीक। और मैं अभी रिपीट कर रही हूँ, स्पेशली डिस्क्रिप्टिव से जो स्टार्ट हुआ है, मैं रोकूंगी पीपीटी को, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें जिन्होंने नहीं लिया है, और लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल आता है और ये फर्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का। अभी दो लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा वो एक बेसिक था, नॉर्मली आपको डेटा एनालिटिक्स क्या होता है ये जानने का। यहाँ से मैं रिपीट कर रही हूँ स्लाइड्स को, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें।
और इस बार आप लोग इस उसमें नहीं रहना कि ऑनलाइन ही पेपर होगा, सेशन एंड तक चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके ऑफलाइन, जिस तरह से पहले यूनिवर्सिटी पेपर सेट करती थी वैसे ही। तो इस बार बिल्कुल लापरवाही नहीं करना, साथ साथ पढ़ते चलना सभी सब्जेक्ट को। इंटर क्वार्टाइल तो निकालने के लिए आपको डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आएगा, या तो वो शॉर्ट नोट के फॉर्म में आएगा या न्यूमेरिकल डेफिनेटली आएगा। तो उसमें आप स्टार इम्पॉर्टेंट जो भी मार्क करना चाहें वो कर सकते हैं। हाँ पूछो। वन और एट को ऐड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद अपनी वैल्यू निकल आई है, हमें दो लोगों दो का एडिशन करना है, दो दो टर्म्स का एडिशन करना है ना। देखो क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, आपको जो पूरा का पूरा सेट दिया है उसको डिवाइड करना है, डेटा सेट्स जो मिला है आपको उसे डिवाइड करना है सेट्स के फॉर्म में, मीन्स दो दो के पार्ट में डिवाइड करना है। तो उसके लिए अब हमारा पेयर पूरा पूरा बनना चाहिए, इसीलिए लास्ट वाला नहीं होगा क्योंकि हमारा जो कटेगा वो 6.5 के बाद ही हट जाएगा। 2 3 तब भी वैल्यू तो 6.5 ही आएगी ना, आप 7 + 8 / 2 करोगे तो वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, बाहर चला जाएगा ना क्वार्टाइल के। हमें बेसिकली ये समझने के लिए है कि हमें क्वार्टाइल अगर करना है तो हमें उसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आपका निकल रहा है वैल्यू तो आप लास्ट को फर्स्ट को ऐड कर सकते हो, लास्ट को ऐड करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट वाले को ऐड कर सकते हो। बेसिकली हमें दो दो के पार्ट्स में पूरे को डिवाइड करना है, तो वो हमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि हम नंबर को इस साइड से लें या फिर ना लें। और मैं इसके और आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दे दूंगी तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। और क्वार्टाइल निकालने के बाद छोड़ मत देना, क्वार्टाइल्स हम इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हमें इंटर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। तो लास्ट स्टेप रिटर्न में है, उसे ध्यान में रखना, डिफरेंस बिटवीन। नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेवेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, या फिर मैं आपको थ्योरेटिकल बता दूं, न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लेंगे, या क्वेश्चंस दे दूं उसे सॉल्व कर लेंगे, या फिर आगे पढ़ाएं हाइपोथेसिस टेस्टिंग बताएं। ठीक है, मैं फिर आपको या तो आज या फिर मंडे को तीनों टॉपिक्स जो आज हमने डिस्कस किए उससे रिलेवेंट न्यूमेरिकल्स दे दूंगी,
तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, और नहीं बनते हैं तो फिर बताना, तो फिर हम उसको पूरे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसे एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट में मैं आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग बताऊंगी, ठीक है? मैं लीव कर रही हूँ, और कोई क्वेश्चन है?